हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए हेल्दी टिफ़िन मंडे टू सैटरडे। सबसे पहले हम आलू पूरी बनाएंगे। 2 से 3 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू लिए हैं। आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। सारे आलू को हम कद्दूकस कर लिए हैं। 1 कप गेहूं का आटा लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अगर आपके बच्चे तीखा ना खाते हो तो मिर्ची पाउडर ना डालें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे। आप घी के जगह रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम कद्दूकस किए हुए आलू को डाल देंगे आटा में। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। 1 कप पानी लिए हैं। पानी का यूज बहुत कम ही होगा, 2 चम्मच के करीब। अच्छी तरह से सबको मिला लेंगे हाथ से। अच्छी तरह से सारे सामान को मिला लिए हैं हाथ से। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूनेंगे। एकदम थोड़ा सा पानी लगेगा आटा गूनने में, देख सकते हैं। आटा गूनने में 2 से 3 चम्मच पानी लगा है, आप देख सकते हैं। आटा गूनकर तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा घी लगाकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। चिकना हो गया एकदम। अब हम आटा को 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ढककर। 10 मिनट हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे इस तरह से और गोल गोल लोई बनाएंगे पूड़ी बेलने के लिए, आलू पूड़ी। इसी तरह से हम इतना सारे लोई बना लिए हैं। अब हम एक एक लोई लेंगे और चौकी के ऊपर में हल्का सा घी लगाकर पूड़ी बेलेंगे। इस तरह से पूड़ी बेलेंगे। पूड़ी को ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज़ के पूड़ी रखेंगे, क्योंकि ये आलू पूड़ी है, नॉर्मल पूड़ी नहीं है। ये पूड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसे बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। इसी तरह से हम इतना सारे पूड़ी बेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इधर कढ़ाई में रिफाइन ऑयल गरम हो रहा है। थोड़ा सा आटा डालकर देखेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से ऑयल गरम हो गया है। अब हम एक एक करके पूड़ी तलेंगे। एक साथ ज़्यादा पूड़ी नहीं डालेंगे, एक एक करके ही पूड़ी तलेंगे। जल्दी तल जाएंगे अच्छे तरह से। कम ऑयल है कढ़ाई में, एक पूड़ी डालकर तलेंगे तो पूड़ी अच्छी तरह से फूलेंगे। पूड़ी एक तरफ से फूल गया है। अब हम पलट देते हैं पूड़ी को। दूसरी तरफ से भी पूड़ी अच्छी तरह से फूल गया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे पूड़ी फूलकर तैयार हो गया है। एकदम बैलून जैसा पूड़ी फूलकर तैयार हो गया है। आलू कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये पूड़ी। पूड़ी को अब हम छन्नी की सहायता से छानकर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पूड़ी को तलकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे पूड़ी तलकर तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा ठंडा करके टिफ़िन में पैक कर देंगे बच्चों के हेल्दी टिफ़िन आलू पूरी।
इस तरह से टिफ़िन में सॉस डाल देंगे, साइड में थोड़ा फ्रूट डाल देंगे काटकर, जो आपके बच्चे को पसंद हो जो फ्रूट। इस तरह से हम यहाँ बब्बू घोसा काटकर छीलकर डाल दिए हैं, साइड में सॉस डाल दिए हैं, और आपके बच्चे जितना पूरी खाते हो उतना आप डाल सकते हैं। अब हम दूसरे दिन का टिफ़िन बनाएंगे। इसके लिए हम एक कप कच्चे चावल का आटा लिए हैं, दो गिलास पानी लिए हैं, एक बारीक कद्दूकस किया हुआ गाजर, एक बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, थोड़ा हरा धनिया, एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा कढ़ी पत्ता लिए हैं। इधर कढ़ाई में दो चम्मच सरसों तेल गरम हो गया है, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, दो गिलास पानी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, पानी में उबाल आने देंगे। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम कच्चे चावल के आटे को पानी में डाल देंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए मिलाएंगे। इस तरह से एकदम सूखा नहीं रहना चाहिए। अब हम सारे कटी हुई हरे सब्जी को डाल देंगे आटा में, थोड़ा सा हरा धनिया और कढ़ी पत्ता बचा लेंगे। सबको चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इससे सब्जी भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और चावल के आटे भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से चावल के आटा पककर तैयार हो गया है और सब्जी भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से ठंडा होने के लिए हम प्लेट में निकाल लिए हैं। हाथ में पानी लगाकर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कच्चे चावल के आटा और सब्जी वाले डो को लेंगे और इस तरह से गोल गोल आलू की टिक्की जैसा चिकना करते हुए बनाते जाएंगे। थोड़ा आलू की टिक्की से थोड़ा बड़े साइज का बनाएंगे, आपको जो साइज पसंद आए आप उस तरह से बना सकते हैं। ये सूखा आटा है, कच्चे चावल का आटा ही है। इस तरह से लगा लेंगे, धनिया और कढ़ी पत्ता को भी इस तरह से लगा लेंगे। इससे ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। कच्चे चावल के आटा लगाने से क्रिस्पी बनेंगे ये नाश्ता। इसी तरह से हम दूसरे भी तैयार कर लेते हैं, एकदम चिकना करके, बिल्कुल भी क्रैक नहीं रखेंगे। इसी तरह से हम सारे नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम इतना सारे टिक्की बनाकर तैयार कर लिए हैं। इधर कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए डाल देते हैं। कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है। अब हम 4-4 टिक्की को डालकर तल लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। गैस को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम में ही तलेंगे। 3 से 4 मिनट तक पकने के बाद दूसरे ओर पलट देंगे छन्नी की सहायता से, आराम आराम से। आप देख सकते हैं एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने लगा है कच्चे चावल और हरी सब्जियां का हेल्दी नाश्ता। आप देख सकते हैं इस तरह से दूसरे साइड भी 3 से 4 मिनट और पकाएंगे।
अब देख सकते हैं दूसरे साइड भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम छन्नी की सहायता से छानकर निकाल लेते हैं कच्चे चावल और हरी सब्जियां का हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। ठंडा करके टिफ़िन में पैक कर देंगे। ठंडा हो गया है, इस तरह से टिफ़िन में थोड़ा सॉस डाल देंगे और आपके बच्चे जितने खाते हो आप उस तरह से ये हेल्दी टिक्की को डाल दीजिए। इसके साथ कुछ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। दूसरे दिन का भी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब हम तीसरे दिन का टिफ़िन बनाएंगे। तीसरे दिन में हम आलू सैंडविच बनाएंगे। इसके लिए हम 3 आलू उबला हुआ लिए हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल डाले हैं, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1 हरी मिर्ची डालेंगे, 1 आपके बच्चे तीखा ना खाते हो तो आप मिर्ची ना डालें, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। सबको चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। पका लिए हैं। अब हम उबले हुए आलू के डालकर मसाले में अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। आलू को अच्छी तरह से मसाले में मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लिए हैं। आलू अच्छी तरह से मसाले के साथ पक गए हैं। अब हम थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे। आलू सैंडविच का मसाला तैयार है। अब हम ताज़े फ्रेश ब्रेड ले लेंगे। ये ताज़ा फ्रेश ब्रेड ले लिए हैं। अब हम चम्मच की सहायता से ब्रेड में आलू मसाला लगाएंगे इस तरह से। दो चम्मच आलू मसाला लेंगे और ब्रेड में अच्छी तरह से फैला देंगे। 1 ब्रेड लेंगे और ऊपर से ढक देंगे। इसी तरह से दूसरे सैंडविच भी तैयार कर लेंगे ब्रेड में आलू मसाला लगाकर। उसी तरह से हम दूसरे सैंडविच भी तैयार कर लिए हैं। इधर तवा गरम हो गया है, इसमें हम चम्मच की सहायता से थोड़ा घी लगा देंगे। तवा में अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम तैयार किए हुए आलू सैंडविच को तवा पे डालेंगे और चम्मच की सहायता से घी लेंगे और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और कलछी की सहायता से दबाते हुए
एक मिनट तक पकने देंगे सैंडविच को। एक तरफ से सैंडविच 1 मिनट तक पक गया है, हल्का सिक गया है। अब हम कलछी की सहायता से पलट कर दूसरे साइड पकाएंगे। दोनों साइड ब्रेड सैंडविच पककर तैयार हो गया है। अब हम सैंडविच को कलछी की सहायता से निकाल लेंगे प्लेट में, ठंडा होने देंगे। सैंडविच थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इस तरह से हाथ रखेंगे और चाकू की सहायता से बीच में कट लगा देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे आलू सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से लंच बॉक्स में डाल देंगे, साथ में कुछ फ्रूट्स भी डाल देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं टिफिन तैयार है। अब हम चौथे दिन का टिफिन बनाएंगे, गेहूं के आटे और हरी सब्जियां का स्वादिष्ट हेल्दी चीला बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट चीला। आपके बच्चे को जो सब्जी पसंद है आप ले सकते हैं, गाजर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्ची, हरी धनिया, अदरक, लहसुन, थोड़ा हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। 1 कप गेहूं का आटा लिए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे। हेल्दी गेहूं के आटे का चीले का बैटर तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी डालने से बैटर में गुठलियाँ हो सकता है और बहुत दिक्कतें आएंगे बैटर तैयार करने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही बैटर तैयार करें। बैटर में 1 छोटा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। सारे सब्जियों को डाल देंगे बैटर में। अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरह से देखेंगे बैटर परफेक्ट तैयार है। थोड़ा गाढ़ा लगेगा तो थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। डोसा के बैटर जैसा बैटर रहना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा। परफेक्ट बैटर तैयार है। इधर तवा गरम हो रहा है, इसमें थोड़ा घी लगा देंगे, चारों तरफ फैला देंगे। आप घी के जगह ऑयल भी ले सकते हैं। एक कलछी भर कर बैटर लेंगे और हल्का हल्का फैला देंगे। मीडियम फ्लेम में
दो मिनट तक सिकने देंगे। चम्मच से साइड से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। एक साइड से दो मिनट तक सिक गया है, अब हम कलछी की सहायता से पलट कर दूसरे साइड पकाएंगे। दोनों साइड से चीला पककर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर आए हैं चीला में। अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह से दूसरे चीले को भी तैयार कर लेंगे बनाकर। फैला दिए हैं, थोड़ा सा ऑयल लेंगे और किनारे में चारों तरफ फैला देंगे। इसी तरह से एक से दो मिनट तक पकने के बाद पलट कर दूसरी ओर पलट कर पका लेंगे। थोड़ा सा और घी या ऑयल डालकर इस तरह से घुमा देंगे। दोनों साइड अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिए हैं। आप देख सकते हैं दूसरे चीला भी कितने अच्छे पककर तैयार हो गया है। इसको भी निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद लंच बॉक्स में पैक कर लेंगे। ठंडा हो गया है, इस तरह से फोल्ड करके लंच बॉक्स में डाल देंगे और थोड़ा टमाटो सॉस डाल देंगे। साथ में एक बनाना भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, चौथे दिन का भी लंच बॉक्स तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे बनकर तैयार हुआ है। अब हम पाँचवें दिन का लंच बॉक्स बनाएंगे, पनीर पराठा। इसके लिए हम थोड़ा पनीर कद्दूकस करके ले लिए हैं। इधर कढ़ाई में दो चम्मच सरसों तेल डालेंगे, एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज और दो हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हो तीखा तो आप मिर्ची ना डालें। चलाते हुए एक से दो मिनट तक पकाएंगे। अब हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी चलाते हुए एक से दो मिनट तक पकाएंगे। साथ साथ कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर डालने से पनीर पराठा में बहुत अच्छे टेस्ट आएंगे। सबको चलाते हुए एक मिनट तक पकाएंगे। एक मिनट तक पका लिए हैं। अब हम कद्दूकस किए हुए पनीर को डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सबको अच्छी तरह से चलाते हुए मिला देंगे पनीर में मसाले को अच्छी तरह से। ज़्यादा पकाना नहीं है, एक मिनट तक चलाते हुए मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। पनीर पराठा के लिए मसाला तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ठंडा कर लेंगे प्लेट में निकाल कर। पनीर पराठा बनाने के लिए हम आटा आधा घंटा पहले से गूंद कर रखे थे। अब हम थोड़ा आटा लेंगे और रोटी से बड़े साइज के लोई बनाएंगे। इस तरह से सूखा आटा लगाकर और दो चम्मच पनीर वाले मसाला लेंगे और पराठा बनाते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे हाथों से घुमाते हुए और बचे हुए एक्स्ट्रा आटा को काट लेंगे। काट कर निकाल लेंगे। सूखा आटा लगाकर इस तरह से घुमाते हुए
हल्का हाथों से दबाव देकर इस तरह से हल्के हाथों से बेलन की सहायता से पराठा बेल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पराठा भी भरकर तैयार कर लेंगे। इधर तवा गरम हो गया है, पराठा डाल देंगे तवे पे। एक साइड से एक मिनट तक सेकने देंगे पराठे को। एक साइड से सेक गया है, पराठा पलट दिए हैं। अब हम एक चम्मच घी लेंगे और चारों तरफ घुमाते हुए डालेंगे। कलछी से चारों तरफ घुमाते हुए लगा देंगे घी। फिर से पलट कर थोड़ा और घी डालेंगे और चारों तरफ घुमाते हुए लगा देंगे। दोनों साइड से पराठा अच्छी तरह से सिक गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूले पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से हम दूसरे पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम पराठा बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद हम इस तरह से फोल्ड करके टिफ़िन बॉक्स में डाल देंगे। इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मेरे बच्चे को किशमिश पसंद है, हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। पाँचवें दिन का भी लंच बॉक्स तैयार है। अब हम छठे दिन का लंच बॉक्स बनाएंगे। छठे दिन का लंच हम सूजी और आलू से बनाएंगे। एक कटोरी सूजी लिए हैं, आधा कटोरी दही लेंगे। देख सकते हैं ये ताज़ा फ्रेश दही है। एक कटोरी पानी लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिलाते जाएंगे सूजी दही पानी को। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, मिला देंगे अच्छी तरह से। सूजी अब अच्छी तरह से मिल गया है। अब ढककर 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम उसके लिए मसाला तैयार करेंगे। आलू सेम प्रोसेस में हम सैंडविच वाले सेम प्रोसेस में हम आलू का मसाला तैयार कर लिए हैं। इधर सूजी को रेस्ट किए हुए 15 मिनट हो गया है। अब देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है बैटर। अब हम बचे हुए पानी को फिर से डालकर बैटर तैयार करेंगे अच्छी तरह से। पूरे पानी लग गया है बैटर तैयार करने में। बैटर तैयार करने में पूरा एक कटोरी पानी लग गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच मीठा सोडा डालेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे। बैटर अच्छी तरह से मिल गया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा पतला नहीं करना है। एक कटोरी पानी से बैटर तैयार हो गया है। अब हम नाश्ता बनाने चलते हैं। इधर तवा गरम हो गया है, ऑयल पहले से लगा दिए हैं चम्मच से इस तरह से। अब हम एक कलछी भर कर बैटर लेंगे और तवा पे डाल देंगे इस तरह से। हल्का सा फैलाएंगे, अपने आप ही फैल जाएगा ये, ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आलू मसाला लेंगे और आलू टिक्की के जैसा फैला लेंगे, बहुत बड़े साइज का, और उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। फिर से उसके ऊपर आलू टिक्की रख दिए हैं इस तरह से। अब फिर से ऊपर से थोड़ा कलछी में बैटर लेंगे और ऊपर से इस तरह से कवर कर देंगे आलू मसाला को इस तरह से। थोड़ा सा चम्मच से ऑयल लेंगे और चारों तरफ घुमा देंगे।
2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। ये बहुत जल्दी पक जाता है। अब हम कलछी की सहायता से पलट देंगे, दूसरे साइड पकने देंगे 2-3 मिनट तक। दूसरे साइड भी पक गया है। अब देख सकते हैं दोनों साइड कितने अच्छे से पककर तैयार हो गया है। अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे सेम प्रोसेस में। उसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लिए हैं। निकाल लेंगे प्लेट में। ठंडा होने के बाद चाकू से बीच से कट लगा लेंगे इस तरह से। बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आलू और सूजी का देख सकते हैं कितने अच्छे अंदर मसाला भरा हुआ है। बहुत सॉफ्ट भी है। अब हम इस तरह से टिफिन बॉक्स में डाल देंगे। साइड से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और सॉस भी डाल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से छठे दिन का भी हेल्दी टिफिन तैयार हो गया है। इस तरह से डेली अलग अलग रेसिपी बनाकर देने से बच्चे खुश हो जाएंगे और बच्चे का पेट भी भरेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। ओके बाय।